संसद के दोनों सदनों में पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या का मुद्दा छाया रहा। भाजपा ने संसद में इस मामले में रक्षा मंत्री से उनके बयान पर माफी मांगने की मांग की। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई हुई बार बार बाधित। भाजपा ने लोकसभा में एंटनी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दिया नोटिस। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ नहीं किया जाएगा कोई समझौता। दोनों मुल्कों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इस मामले में हॉटलाइन पर की बात। सीपीआई पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य बनाने के लिए बातचीत के पक्ष में। पार्टी नेता गुरुदास दास गुप्ता ने कहा कि घटना को लेकर पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया जाना चाहिए। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि पुंछ में भारतीय सैनिकों की कायरतापूर्ण हत्या के बाद भाजपा पाकिस्तान से किसी भी तरह की वार्ता के खिलाफ। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर की नहीं होनी चाहिए वार्ता। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि पूरा देश जब बहादुर सैनिकों की शहादत पर शोक मना रहा है, तब कुछ लोग इस पर राजनीति करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देशहित में सोचना चाहिए। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच खाद्य सुरक्षा बिल किया गया पेश। गौरतलब है कि सरकार पहले ही खाद्य सुरक्षा अध्यादेश ला चुकी है। असम में एक अहम घटनाक्रम में राज्य सरकार ने अलग अलग राज्यों की मांग करने वाले तमाम संगठनों के साथ बातचीत शुरू की। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने आज 3 संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया। गुजरात के लोकायुक्त नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर ए मेहता ने पदभार संभालने से किया इनकार। जस्टिस मेहता के इस कदम के पीछे लंबे समय से राज्य सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं करने का कारण बताया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि गुजरात में लोकायुक्त को सुचारू रूप से कार्य नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त का कार्य प्रदेश की निगरानी करना है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्था के कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न की जा रही है। शेयर बाजार में गिरावट का रुख जारी। सेंसेक्स 68 अंक की गिरावट के साथ 18,665 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 23 अंकों के नुकसान के साथ 5,119 पर हुआ बंद। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की साइना नेहवाल ने 66वीं रैंकिंग प्राप्त ओल्गा गोलोवानोवा के खिलाफ जीत हासिल की। साइना ने 21-5, 21-4 से रूसी खिलाड़ी को दी मात। तीसरे दौर में किया प्रवेश। भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधु ने प्रतियोगिता के तीसरे दौर में स्थान बनाया। पहले दौर में सिंधु को बाई मिली थी। दुनिया में 12वें नंबर की खिलाड़ी पीवी संधु ने दूसरे दौर में जापान की कोइरी इमाबेकू को 1 घंटे 11 मिनट तक चले मुकाबले में 21-19, 19-21, 21-17 से दी मात। रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाली जिन महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की है, उनमें शीर्ष 10 में 7 खिलाड़ी टेनिस से जुड़ी हैं। सूची में रूस की शारापोवा नंबर 1 पर है।